आखिरकार माइक्रोवेव में बना हुआ खाना आपको कैसे कैसे क्या क्या नुकसान कर सकता है, मैं आपको एक एक नुकसान बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यों नुकसान करता है माइक्रोवेव में बना खाना। देखिए, स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक कहती है कि जितना हम खाने को खुले बर्तन में बनाएंगे, जैसे पीतल का बर्तन है, कलई किया हुआ, इसमें सूरज की रोशनी भी थोड़ी मिले, प्रकाश भी मिले और हवा भी मिलती रहे इसे रेगुलरली, तब खाना सबसे अच्छा बनता है और उसका सबसे ज़्यादा फायदा रहता है। लेकिन माइक्रोवेव में अगर प्लास्टिक के बर्तनों में रखे ऐसे खाना बनाएंगे और बंद होगा चारों तरफ से, और इसमें जो रेज गिरती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं लो रेडियो फ्रिक्वेंसी की, वो वेव्स खाने के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जो पानी के पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट फूड पार्टिकल्स, तो उनको तेजी से कंपन करवाती है, उनको झकझोर के, और फिर उसमें हीट पैदा करती है, उससे फूड की जो फूड की क्वालिटी वो चेंज होती है और उससे दिक्कत होती है। प्लास्टिक के जो पॉलीमर्स होते हैं, कई बार वो मोनोमर्स में टूट के और कार्सिनोजेंस बनाते हैं, जिससे कैंसर तक की दिक्कत हो सकती है, तो इसे बचना होगा। कई बार हम फूड को ओवर कुक कर देते हैं, ज़्यादा कुक कर देते हैं, जैसे मीट कोई नॉनवेज को कुक करते हैं, तो उससे भी जो कोलेस्ट्रोल है जो फूड के अंदर, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो नुकसान करता है, इससे दिक्कत होती है। दूसरा, कई बार लोग माइक्रोवेव में खाने को रीवार्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे दोबारा से गर्म, और आयुर्वेद में दोबारा से गर्म खाना, दोबारा से गर्म करना खाने को, ये बड़ा ही नुकसानदायक बताया गया है। ये फाइब्रोइड और दिस PCOD वगैरह इनका कारण बताया गया है, तरह तरह का लाइपोमा, गांठे बनना जगह जगह तरह तरह की, उसका कारण बहुत बड़ा कारण बताया गया। और फिर आजकल जो सांस में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये भी माइक्रोवेव में बने हुए खाने से ऐसा हो सकता है, क्योंकि माइक्रोवेव में बना हुआ खाना उसको हम आयुर्वेद की भाषा में एक तरह का डेड फूड कह सकते हैं, और जो खुले बर्तन में खाना बनाया है वो एक तरह का वाइटल फूड है। बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, तो जैसे एक तो ब्रेन का मेमोरी लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर माइक्रोवेव में बनाएंगे खाना। दूसरा, हार्ट के ऊपर भी बैड इफेक्ट पड़ता है, हार्ट की एफिशिएंसी कम होती है ऐसा खाना खाने से, ब्लड भी हमारा कम हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, पाचन की खराबी हो सकती है, ये भी दिक्कत होती है। उसके अलावा एजिंग, पूरी बॉडी की एजिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, दीर्घायु नहीं रह पाते हम, बुढ़ापा जल्दी आता है, तरह तरह के कैंसर को भी बढ़ावा मिल सकता है, बच्चों में दमे की शिकायत भी देखने को मिलती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमें माइक्रोवेव से बचना चाहिए बिल्कुल, हम जितना फ्रेश फूड बनाए। तो जब हम घर पे माइक्रोवेव यूज़ नहीं करते तो हमें लगता है कि हमने तो माइक्रोवेव यूज़ नहीं किया, लेकिन बेकरी से, मैंने बेकरी से मंगाए हैं दोनों माइक्रोवेव, तो बेकरी के जो फूड्स हैं, या कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको पता नहीं होता वो खाना माइक्रोवेव में बना हुआ होता है, तो जितना घर का बना हुआ फ्रेश होममेड फूड खाएंगे वो आपको लंबी एज देगा और वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखेगा। मैं तो कभी भी नहीं माइक्रोवेव का बना हुआ खाता, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी माइक्रोवेव का बना हुआ खाना बिल्कुल यूज़ ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि अगर अंडे को हम रखते हैं माइक्रोवेव में, तो उसमें सुनने में आता है कि अंडा कई बार फट जाता है, बॉयल हो जाता है, उसमें भाप बन जाती है, दूध को गर्म करते हैं तब दिक्कत होती है। और अगर माँ, जो प्रेग्नेंट मदर है, वो माइक्रोवेव का खाना खाती है, तो जो अंदर बच्चा है, फीटस है, उसको भी नुकसान होता है उसे। तो बाकी हरी पत्तेदार सब्जियां भी कई बार माइक्रोवेव में रखने से ख़राब हो जाती हैं, या कई बार जैसे फ्रिज में से खाना निकाला और फटाक से माइक्रोवेव में रखे वो कर दिया, उससे भी उसकी फूड की स्ट्रक्चर, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर, वो डिस्टर्ब होती है। तो मैं चाहता हूँ कि माइक्रोवेव बिल्कुल यूज़ ना करें। मैं तो ऐसे ही लाइव सेशन करता रहता हूँ, तो मैं हर संडे को शाम को 4 से 5 क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए लाइव होता हूँ अपने चैनल पर, और डिफरेंट बीमारियों को हम कैसे लाइफस्टाइल ठीक करके रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।